सो गाइस ये है सैमसंग का न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F55 जो कि पिछले दिनों इंडिया में लॉन्च हो गया है। अब सच कहूं तो दोस्तों इस फोन के लॉन्चिंग को लेकर मैं पर्सनली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि गैलेक्सी M55 जो कि लास्ट मंथ इंडिया में लॉन्च हुआ है उसका ही ये एग्जैक्ट रिब्रांडेड वर्जन होने वाला है, बस डिजाइन थोड़ा सा चेंज रहेगा। और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। 26,999 से दोस्तों इसकी भी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, और प्राइस के हिसाब से देखा जाती है ये फोन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको बैलेंस देखने को मिलती है, आपको पसंद आएगी, बट कंपटीटर के पास देखते हो तो थोड़ी बहुत चीजों में यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कारण है, इस वीडियो के अंदर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो अपने इस भाई को सपोर्ट करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस यहां पर 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस वाला डिस्प्ले दिया गया है जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है, जहां पर आपको टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स पतले नजर आते हैं। और चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो ये एवरेज साइज का है। स्मूथनेस के लिए दोस्तों यहां पर 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, और 1000 निट्स का यहां पर ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। सामने की तरफ दोस्तों यहां पर सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा दोस्तों यहां पर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि एक वाइड एंगल लेंस है, और इस सेंसर से भी आप मैक्सिमम 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बड़े आराम से निकाल पाओगे। और यहां पर आपको OIS KB सपोर्ट देखने को मिलते हैं। बाकी दूसरे और तीसरे सेंसर के बारे में बात करते हैं तो वो यहां पर 8 और 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं दोस्तों, जो कि अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो लेंस। 5000 mAh के इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहां पर आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है, फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों, बट फोन के अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। वैसे 5G फोन है, इस फोन के अंदर 13 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं, और स्टूडियो स्पीकर भी यहां पर दिया गया है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट यहां पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, और एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है जो कि One UI 6.1 के ऊपर रन करता है, जहां पर सैमसंग ने ऑफिशियली कन्फर्म कराया कि इस फोन के अंदर आपको 4 साल के OS अपडेट एंड 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलेंगे। बाकी नॉक्स की सिक्योरिटी, सिक्योर फोल्डर, सैमसंग वॉलेट जैसे काफी सारे One UI वाले फीचर्स भी यहां पर दिए गए हैं। लास्ट में गाइज हम अगर इसके परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 वाला प्रोसेसर लगा है, जहां पर UFS 3.1 वाले स्टोरेज दिए गए हैं, एंड LPDDR4X का यहां पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB, 8GB 256GB एंड 12GB 256GB के तीन वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च किया गया है। जो बेस वाला मॉडल है दोस्तों 8GB 128GB उसकी प्राइस 26,999 रखी गई है। सेकंड वाले मॉडल को 29,999 का लॉन्च किया गया है, एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 32,999 रखी गई है। मतलब 27,000, 30,000 और 33,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी दोस्तों कि सैमसंग इसके ऊपर ऑफर्स भी दे रही है। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए के कैशबैक देखने को मिल जाएंगे, और ये डिस्काउंट मिलने के बाद आपको इस फोन का बेस वाला मॉडल 24,999 का ही पड़ेगा। और इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो डील मुझे ठीक ठाक लग रही है। तो अगर आप इस फोन को ऑफर्स वगैरह लगा के परचेस करने की सोच रहे हो तो ले सकते हो दोस्तों, फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका सेल स्टार्ट है। आप चाहो तो अभी इस फोन को जाके ऑर्डर कर सकते हो, और 27 से 31 मई के दौरान अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दे रहा है। लेकिन विदाउट ऑफर अगर आप इस फोन को परचेस करने की सोच रहे हो दोस्तों, तब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें कंपटीटर भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और प्राइस के अकॉर्डिंग फोन के अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी दी गई है। और अब चलिए हम इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज पहली कमी जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आ रही है, वो है इसके डिस्प्ले को लेकर। स्पेसिफिकेशन वाइज दोस्तों इसका डिस्प्ले आपको पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एमोलेड स्क्रीन दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है,
HDR10+ के भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं और 1000 nits का यहाँ पर ब्राइटनेस भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन डिस्प्ले के ऊपर कौन सा प्रोटेक्शन लगा है ये चीज़ सैमसंग ने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है। और इसकी प्राइस दोस्तों 27 से 33 हज़ार रुपये तक जा रही है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज़ इस प्राइस पर एक्सेप्ट करने लायक है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सैमसंग को एटलीस्ट डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 वाला प्रोटेक्शन देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है वो है इसके चार्जर को लेकर, क्योंकि इन द बॉक्स यहाँ पर सैमसंग चार्जर ऑफर नहीं कर रही है। हालांकि प्राइस के हिसाब से या फिर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पीड भी स्लो ही मिलती है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। बट इन द बॉक्स सैमसंग अगर यहाँ पर चार्जर दे देती तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था, और यकीनन ये चीज भी करंट टाइम में सैमसंग के लिए एक सेलिंग पॉइंट तो जरूर बनता। एंड लास्ट में दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आ रही है वो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वाला प्रोसेसर दिया गया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला दोस्तों कि ये प्रोसेसर अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है, डे टू डे लाइफ में आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देगा और COD एंड BGMI जैसे हेवी गेमिंग भी आप इस फोन के अंदर खेल पाओगे। लेकिन समस्या मुझे ये लगी दोस्तों कि ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना हो गया है, और अभी के टाइम पर ये प्रोसेसर अगर हमको 20 से 22 हज़ार रुपए वाले फोन के अंदर मिलता है तब तक हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम इससे ऊपर की रेंज में आते हैं, स्पेशली 27 से 33 हज़ार रुपए की प्राइस पर आते हैं, तो यहाँ पर हम इससे काफी बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 या फिर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे भी इस प्राइस पर देखा जाए या फिर कंपटीटर के पास देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 से पावरफुल प्रोसेसर ही देखने को मिलते हैं। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही 3 चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका बजट 27-30 हज़ार रुपए का है और इस प्राइस पर आप अच्छे स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हो तो इसकी जगह पे Realme GT 6T को परचेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेरी तरफ से ये फोन आपके लिए हाईली रिकमेंडेड भी रहेगा, या फिर आप चाहो तो पोको एप 6 की तरफ भी जा सकते हो। बस गैलेक्सी F55 से आप लोग दूरी बना के रखिए, क्योंकि करंट टाइम में इस प्राइस पर ये फोन तो बिल्कुल भी लेने लायक नहीं। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।